शिक्षार्थी जीवन की सभी महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी का स्वागत है। पहली खबर आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की तरफ से इसी माह में मिल सकते हैं सदस्य। यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में नहीं है कोई सदस्य, तो इसलिए आपकी जो राज्य ब्यूरो प्रयागराज की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कोई सदस्य नहीं होने से एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की चयन प्रक्रिया ठप है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर रिक्त पदों पर तेज़ी से भरने के आदेश दिए हैं, तो ये सारी स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। वहीं पर टीजीटी पीजीटी के शेष बचे करीब 4700 पदों पर फिर से सत्यापन कराने की बात की गई है। ये सारी खबर आपके स्क्रीन पर सीधे दिखाई दे रही है। अगर पूरी खबर आप देखना चाहते हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट खबर आपके स्क्रीन पर, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा में कई प्रश्न गलत मिले हैं, जिसे संशोधित होगा परिणाम और परिणाम को फिर से जारी करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट खबर आपके स्क्रीन पर, सिविल सेवा परीक्षा 2021 की टॉपर श्रुति को मिले 54.56% अंक, तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब की बार जो है आईएएस की टॉपर तीनों ही बालिकाएं रहीं, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। यहाँ पर देख सकते हैं अंकिता अग्रवाल दूसरे नंबर पे और गामिनी सिंगला ये जो है तीसरे नंबर पे हैं, और जो टॉपर हैं वो श्रुति जी हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। और नेक्स्ट खबर आपके स्क्रीन पर, एक अंक का होगा प्रश्न, हल करने के 2 मिनट आपको वक्त दिए जाएंगे। ये देख सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्नातक तृतीय वर्ष की ऑनलाइन परीक्षा के लिए निर्देश जारी किए गए। नेक्स्ट खबर आपके स्क्रीन पर, यूपी के 60 ज़िलों में दौड़ेगी रोजगार की रेल पटरी, ये आप देख सकते हैं योगी जी की बड़ी ऐलान, और यहाँ पर सारी जानकारी आपको दी गई है। 500 करोड़ से ऊपर की निवेश की परियोजनाएं ये सारे स्क्रीन पर आपको सीधे सीधे दिख रही हैं। पूरी जानकारी के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूजी और पीजी के कोर्स होंगे अपडेट, ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। वार्षिक परीक्षाओं में बदली गई तिथि, जो आपके विश्वविद्यालय की रिपोर्ट्स है कि 19 एवं 12 जून को प्रस्तावित जो वार्षिक परीक्षा थी उसकी तिथियों में परिवर्तन कर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट खबर आपके स्क्रीन पर, वार्षिक परीक्षा में हर सवाल के लिए 2 मिनट, हालांकि ये खबर हो चुकी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, और नेक्स्ट खबर ये है कि एलपीजी पर सब्सिडी का लाभ सिर्फ जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर पास है उन्हीं पर मिलेगा, यानी कि 200 रुपये की सब्सिडी देने की बात की गई। यहाँ पर आप स्क्रीन पर सारी खबर देख सकते हैं, तो ये सभी सिलेंडरों पर ना मिलकर बल्कि आपके जो उज्ज्वला योजना के तहत हैं उन्हीं सभी पर मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, यूजी और पीजी के कोर्स होंगे अपडेट, ये खबर हो चुकी थी। और यहाँ पर बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर है कि कॉलेज तो है सरकारी पर फीस प्राइवेट वाली 3-3 हज़ार की वसूली हो रही है, ये सारी जानकारी आपको सीधे लखनऊ संवाददाता की रिपोर्ट की तरफ से दी जा रही है। नेक्स्ट खबर आपके स्क्रीन पर ये रही कि अब गाय जो है दिलाएंगी रोज़गार, यानी कि बीसी ने बनाया वर्किंग ऐप और रोज़गार से खुलेगी राह, ये सारी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एकेटीयू वासी के जो गाय हैं आधारित उन्नत वैज्ञानिक मॉडल पर प्रस्तुत किया जाएगा, ये सारी जानकारी आप स्क्रीनशॉट हमेशा के लिए ले सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए बड़ी खबर ये है, स्क्रीन पर देख सकते हैं सीधे सीधे आपके लिए, इनकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के 56 पद हैं, आप ऑनलाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। पटना हाई कोर्ट में 16 पद हैं, ये आपकी ऑफिशियली वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 जून तक आवेदन कर सकते हैं। JKSSB में आवेदन के 1395 पद हैं, अगर आप आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर आपके स्क्रीन पर, नीत नियत निर्णय से विकास के साथ मोदी जी, यहां पर आप सारी जानकारी देख सकते हैं। 6800 पदों पर भर्ती के शासन आदेश तलब, और ये सारी जानकारी आपके स्क्रीन पर दिख रही है। प्रयागराज विधि संवाददाता की रिपोर्ट है कि हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में 5 जनवरी 2022 को जारी शासन आदेश में तलब किया है, और जिसके तहत पिछड़ा वर्ग के लिए ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट खबर आपके स्क्रीन पर, आईएएस के 2022 की परीक्षा कल रहेगी, जिस पर पैनी नज़र रखी जाएगी। तदर्थ शिक्षार्थी, यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक के पद पर चयन नियुक्ति अटकी हुई है, ये आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की चयन की तरफ से अपडेट थी। और अगली खबर आपके स्क्रीन पर ये रही कि UPSSC की तैयारी कराएगी जो है विद्यालय, और पिछड़े व गरीब वर्ग के आगे बढ़ाने की दिशा पर सरकार का महत्वपूर्ण कदम है, ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं। ई संजीवनी से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में जोड़ा गया है, जिसे नई दिल्ली की रिपोर्ट है कि स्वास्थ्य सेवा को लाभ होगा और बेहतर सुविधाएं प्रदान किए जाएंगे। अगली खबर आपके स्क्रीन पर ये रही, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में 70,000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे अदानी समूह, जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। ग्रामीणों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुविधा मिलेगी, और प्रत्येक जो ग्राम सचिवालय हैं वहाँ पर वाईफाई की सुविधा होगी, ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं। और जेई मेंस की जो दूसरे सत्र की परीक्षा के लिए 23 जून का तक आप आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं NTA ने जारी किया सूचना, 21 से 30 जुलाई तक होगी संयुक्त प्रवेश परीक्षा।
अगली खबर आपकी स्क्रीन पर, मई में भर्तियां गतिविधियां 40% बढ़ी, दिल्ली और एनसीआर शीर्ष पर। देश की शीर्ष 5 आईटी कंपनियां वित्त वर्ष 2021-22 में 1.8 लाख लोगों को दे जाएंगी नौकरियां। तो आज के लिए इतना ही था मित्रों, ये आपकी आखिरी खबर है। इस स्क्रीन पर UPSIC के 3 विषयों में 23 असिस्टेंट प्रोफेसर चयनित किए गए। तो डेली अपडेट पाने के लिए आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, आप सभी सुखी और स्वस्थ रहें।